क्यों ऐसे होता है जब आप ये बोलते हो कि आपको मास मीडिया की पढ़ाई करनी है जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है फिल्म स्टडी करना है एडवरटाइजिंग करना है आपके माँ बाप आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आगे जाके क्या सोचा है इसमें पैसे कैसे कमाओगे ये कोई पढ़ाई होती है मास मीडिया के पढ़ने वाली चीज़ है ऐसा क्यों इन दिस वीडियो आई एम गोन टेल यू द डार्क साइड ऑफ मीडिया स्टडीज क्यों लोगों को जॉब नहीं मिल रही है Why, uh, इतने पैसे भरने के बाद भी आपको सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है वाई देर इज नो सिक्योर्ड फ्यूचर इन मीडिया इंडस्ट्री आई विल एक्सप्लेन एंड आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन इन दिस वीडियो सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड पूजा गुप्ता वेलकम टू मीडिया मेंटर इफ यूर ह्योर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड टू मास मीडिया इंडस्ट्री एजुकेशन कॉलेजेस everything related to mass media and this is the only channel in india which is 100% dedicated to mass media so make sure that you subscribe to my channel agar up mass media ho, which is you are a mass media aspirant और यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग मास मीडिया दिस वीडियो इज रोअली रोली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इतने सारे नेगेटिव चीजें मास मीडिया स्टडीज के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं क्यों लोग ये बोलते हैं कि मास मीडिया में पढ़ने को कुछ नहीं है मास मीडिया तो वो लोग करते हैं जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है वाई द होल डिग्री इज बीन यू नो इतना ज्यादा उसका वैल्यू डाउन कर दिया गया है फर्स्ट थिंग most of the students who who are studying mass media or have have completed their degree have no clue कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है अब इसका बहुत सारा reason हो सकता है पहली चीज कि उन्होंने खुद college attend नहीं किया होगा and you know interest नहीं दिखाया होगा दूसरी चीज उन्होंने ऐसे college से किया होगा जहाँ पे facilities नहीं है faculties नहीं है और पढ़ाया ही नहीं है टीचरों ने कि सब्जेक्ट्स क्या है तो बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है उनके पास बीएमएम की डिग्री है उनके पास बीजेएमसी की डिग्री है जर्नलिज्म की डिग्री है बट उन्हें एक सिंपल लेटर लिखना नहीं आता सो बट ऑब्वियस है ना कि उनको करियर एस्पेक्ट के बारे में पता ही नहीं है दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम इज सो प्रॉब्लम डिग्री की नहीं है प्रॉब्लम या तो बच्चे की खुद की है या तो प्रॉब्लम कॉलेज में है अगर कॉलेज अच्छा है तो ऑब्वियसली टीचर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स इंटर्नशिप आपका करियर एस्पेक्ट क्या हो सकता है आपके जो यू नो प्रोफेशनल वेबिनार्स होते हैं प्रोफेशनल आके आपके लेक्चर्स लेते हैं ताकि आप हर प्रोफेशन के बारे में इन द मीडिया इंडस्ट्री जान पाओ सो so अगर ये मिसिंग है तो आपको कोई क्लू नहीं होगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ये तो आपने सुना ही होगा बीएमएम के बच्चों को या मास मीडिया स्टडीज के बच्चों को यह बोला जाता है कि इनकी किसी भी चीज में एक्सपर्टीज नहीं है अब मैंने इस चैनल पे 200 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं उसमें से कम से कम 100 वीडियोस में मैंने ये बताया है कि जो मास मीडिया की डिग्री है ये एक जेनरिक डिग्री है इसलिए बोला जाता है छत्तीस अड़तीस सब्जेक्ट यार? मतलब इमेजिन थर्टी सिक्स टू थर्टी नाइन सब्जेक्ट इन थ्री ईयर्स आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे मास्टर करोगे एक चीज में इसलिए अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं फिल्म मेकर बन जाऊंगा मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा मैं एंकर बन जाऊंगा जर्नलिस्ट बन जाऊंगा ये डिग्री आपको कुछ नहीं बनाएगा इट विल गिव यू नॉलेज ऑफ मास मीडिया आप क्या बनते हो आपको वो स्किल पॉलिश करनी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा सीखना होगा या तो आप खुद से सीखो इंटरनेट से सीखो या तो एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करो बट इफ यू थिंक कि मैं ये पूरे uh, डिग्री से यू you नो know, एक एक्सपर्ट बन नहीं बनोगे आप इंटर्नशिप करोगे तब ही आप बनोगे आप ऑन uh, फील्ड जाके सीखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम अ मास्टर ऑफ एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू बिकम नो सिक्योर्ड फ्यूचर अब इसका मतलब ये है कि मीडिया में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है अब क्या होता है सरकारी जॉब ले लो तो उसमें है कि भाई रिटायरमेंट तक तो आप कर सकते हो अगर आप एम कर लो तो आप डॉक्टर तो हो कुछ ना कुछ कर लोगे बट वेन इट कम्स टू मीडिया इट्स क्वाइट चैलेंजिंग ये आपको समझना पड़ेगा जब आप मीडिया में आओगे मीडिया इज डायनामिक एवरी ईयर मीडिया में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बदल जाती है आ, कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है फैशन बदल जाता है एवरी थिंग कीप्स ऑन चेंजिंग सो मीडिया इंडस्ट्री क्वाइट बोलते हैं ना अनस्टेबल सी है तो सिक्योर फ्यूचर की अगर आप बात करें वो तभी सिक्योर होगा जब आप अपने आप को मीडिया इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली इवॉल्व कर पाओगे आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से काम करूंगा तो आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है दूसरी चीज कई बार ऐसा होता है समझ लो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हाउस एक मूवी निकलती है वो मूवी फ्लॉप हो जाती है और वो प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना कंपनी पे देन ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है आपको ये समझना होगा आपका स्किल आपका पावर आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी है एंड दैट यू शुड बी एबल टू इंप्लीमेंट कहीं पे भी आप चले जाओ तो ये चीज आपको समझनी ही पड़ेगी कि सिक्योर्ड फ्यूचर मीडिया में बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थिंग है ईच एंड एवरी डे और जो इंसान वो चैलेंजेस से कीपअप कर पाता है अपने आप को एजुकेट करता रहता है देन उसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है इट इज ऑल अबाउट पैशन ये इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पैशन दिस इंडस्ट्री इज मोस्टली अबाउट पैशन फिर आप एज अ डिरेक्टर काम कर रहे हो एज एन एक्टर काम कर रहे हो एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हो यहाँ सर्वाइव करने के लिए यू नीड दैट पैशन इन यू नो जो एंड लेस मनी ये हमेशा बोला जाता है मास मीडिया के करियर को लेकर आप किसी भी करियर की बात करो नो no जॉब क्यों है बिकॉज हर कोई रणवीर सिंह बनना चाहता है रणवीर कपूर बनना चाहता है सलमान खान बनना चाहता है कितने लोग बन पाएंगे हर कोई अर्नब गोस्वामी बनना चाहता है रविश कुमार बनना चाहता है शेखर गुप्ता बनना चाहता है कितने लोग बन पाएंगे मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर दस जॉब प्रोफाइल है अभी चैनल जो है फेमस चैनल वो गिनती के दस है समझ लो फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंग हिंदी इंग्लिश में ला के दस चैनल है उसमें मैक्सिमम बीस नॉन एंकर होंगे मतलब दो एंकर या चार एंकर होंगे जिनको आप ऑन फेस जानते हो अब ये बीस जॉब पोजीशन के लिए अगर दो लाख लोग अप्लाई करेंगे तो कहां से इनफ जॉब होगी दैट्स वाई जो ग्लैमर जॉब है ना हमारे इंडस्ट्री में वो बहुत कम है इसलिए बोलते हैं कि देर इज नो जॉब ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है बट सर्टन प्रोफाइल की लिमिटेड जॉब है अब आप रिपोर्टिंग की बात करो आपको बोलते हैं ना हर तरह की चीजें ट्राई करनी पड़ेगी यहाँ पे दस सीट के लिए एक लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं ये आप समझ के चलो वो तो आज के टाइम पे हमारे देश में हर जॉब के लिए हो रहा है बट मीडिया इंडस्ट्री में आपका एक फैक्टर होगा तब आप जाके एंकर या रिपोर्टर या वो सीनियर रिपोर्टर के पोजिशन पे पहुंच पाओगे इसलिए हमेशा ये टैग लगा दिया जाता है कि यहाँ पे जॉब नहीं है ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है जॉब है बट उसके लिए आपको बहुत फाइट मारना पड़ता है दूसरी चीज लेस मनी अब लेस मनी क्यों है यह भी मैं आपको बता दूं कि मीडिया इंडस्ट्री नाइनटी ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेट कर दी जाती है मीडिया मीडिया मतलब fame, मीडिया मतलब फेम कि आदमी फेमस हो जाएगा अब उसके लिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कई लोग तो फ्री में काम करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं इनिशियली सो so, लोगों को क्या लगता है अरे मीडिया में काम करना है इसलिए रिपोर्टर्स की सैलरी इंडिया में बहुत कम है बिकॉज लोग आठ से दस महीने पे भी काम कर रहे हैं वो टेलीविजन पे दिखते तो हैं बट उनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है इसलिए बिकॉज You know, वो ग्लैमर के चक्कर में कुछ भी ऑफर एग्री कर देते हैं बस उन्हें टेलीविजन पे दिखना होता है दैट्स द ओनली रीजन कि यहाँ पे पैसे कम है बट अगर आप स्किल्ड हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन टू ईयर्स यू विल रीच टू द लेवल वॉट यू डिजर्व दैट्स वाई आई रिपीटेडली से दैट दिस इंडस्ट्री इज अबाउट योर नॉलेज अबाउट योर स्किल एंड अबाउट योर पैशन अपार्ट फ्रॉम एनी थिंग एल्स दिस थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो कि है नो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अब ये उन बच्चों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा दे के मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा ज्यादा पैसा दे के मैं आ, न्यूज एंकर बन जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको फेक प्रोमिस दे रहे हैं अपने कोर्सेज पच्चीस लाख दो लाख चार लाख ऐसे आपको सेल करते हैं ये बोल के कि आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगी दैट इज अथ प्लीज डोंट फॉल फॉर इट आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करो इंटर्नशिप करो हार्ड वर्क करो यू विल डेफिनेटली मेक इट अब प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री का नाम इसलिए खराब है बिकॉज लोग बोलते हैं मैं लंडन से पढ़ के आऊंगा ठीक है अब आप लंडन जाओगे पचास लाख साठ लाख आपका खर्चा होगा दो साल में देन यू विल कम बैक टू इंडिया एंड यू विल थिंक कि मुझे साल के दो लाख रुपए uh, मुझे लाइक like महीने के दो लाख रुपए जॉब कोई मीडिया इंडस्ट्री में देगा स्टार्टिंग सैलरी जस्ट बिकॉज आईव स्टडीड इन लंडन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे जो कंपनीज है उनकी खुद की रेवेन्यू इतनी ज्यादा नहीं है जब तक आप एक ब्रांड नहीं बनते आपको उतनी सैलरी नहीं मिल सकती दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट्स वाई एम से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एब्रॉड स्टडीज अगर करना चाहते हो स्पेशली कम्युनिकेशन फील्ड में पी फील्ड में जर्नलिज्म फील्ड में फिल्म मेकिंग फील्ड में थोड़ा सोचो कि क्या वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा जो कि बहुत ही मुश्किल है 99% इसमें फेलियर हुए हैं मीडिया इंडस्ट्री में इन दी एंड आई वुड लाइक टू से मीडिया डिग्री का नाम खराब किया है उन कॉलेजेस ने जो सिर्फ नाम की डिग्री दे रहे हैं उन बच्चों ने जो कि यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेने के लिए आए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब ऐसे बच्चे जब मीडिया डिग्री लेके घूमते हैं तो ऑब्वियसली वो हर किसी का वैल्यू डाउन कर देते हैं वो इसलिए मीडिया में आते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है लाइक like मैथमेटिक्स नहीं है इसलिए आ गए जस्ट कोई तो एक डिग्री चाहिए जो ईजिली मिल जाए जिसमें पढ़ना ना पड़े इसलिए आ जाते हैं सो so, ये सारी चीज़ें ना ये डिग्री को ये पूरे माहौल को बहुत ख़राब कर देता है बिकॉज उनका इंटरेस्ट तो है नहीं बट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे ये इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं उनकी वैल्यू भी डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट सपोज टू बी हियर बिकॉज जस्ट उन्हें कोई डिग्री चाहिए और कॉलेजेस जो कि बहुत ज्यादा पैसे लेके डिग्री बेच रहा है और यू नो दे आर नॉट गिविंग द वर्थ एजुकेशन सेकेंडली अगर पैसे नहीं भी ले रहा है जस्ट डिग्री दे रहा है तो वो भी खराब है सो दैट्स वाई आई एम द डार्क साइड ऑफ मीडिया स्टडीज कि लोगों ने इस डिग्री का नाम किस लेवल तक खराब कर रखा है मैं आई एम अ मीडिया ग्रेजुएट आई हैी जी इन मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म आई कैन सेव लॉर्ड ऑफ नॉलेज मैंने काफी कुछ सीखा है मैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मैं अपने कम्युनिकेशन से टीचिंग करा रही हूँ सो ऑल दिस थिंग्स आर देर तो मैंने उसका पॉजिटिव यूज किया अब लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे तो वो लोगों की प्रॉब्लम है डिग्री की प्रॉब्लम नहीं है आई होप यू गाइज अंडरस्टूड सो अगर आपके पेरेंट्स आपको क्वेश्चन करते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में ये नहीं है वो नहीं है आपके रिलेटिव आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि यू नो मीडिया इंडस्ट्री में तो गलत ही होता है आगे फ्यूचर नहीं है प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड दैट यू आर अ पर्सन हु इज पैशनेट अबाउट इट आप अपना करियर उसमें बनाना चाहते हो यू नो योर स्ट्रेंथ बिकॉज सम पीपल आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग इन दर लाइफ इट डजेंट मीन दैट इंडस्ट्री खराब है या वो डिग्री खराब है आई होप गायज आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करिए सो दैट द नेगेटिव परसेप्शन अबाउट मीडिया स्टडीज निकल जाए बहुत ज्यादा नेगेटिव परसेप्शन है मीडिया स्टडीज को लेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टेट यू इन फॉर लॉड ऑफ सच अमेजिंग वीडियोज ऑन मीडिया मैं डोट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब